तो हेलो एवरीवन, दिस इज़ कलेश कुमार। आई होप मुझे याद रखा होगा आप लोगों ने। बट अभी मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ तो वो टॉपिक है जब हम सुपर स्पेस में गए थे एज एन आर्टिस्ट। तो मुझे एज ए यूट्यूबर बुलाया गया था, मगर मैंने ब्लॉगिंग नहीं करी थी। सीधी सी बात है, जब एट द एंड जब दोस्तों ने बोला कि यार आपको ब्लॉगिंग करनी चाहिए, मैंने बोला यार कोई है ही नहीं वहाँ पर, कैसे ब्लॉगिंग करूँ। मतलब मैं अपनी सारी चीज़ें नहीं लाया, मैंने सोचा कुछ ऐसा नहीं होगा, सिर्फ इवेंट होगा जिसमें आपको वहाँ पर जाकर पार्टिसिपेट करके वहाँ पर आपको अपनी प्रेजेंट लगवानी है, या फिर बस ऐसे ही आपको अटेंड होना है वहाँ पर और वापस चले जाना है। मैंने समझा ऐसा ही कुछ होगा, सुपर स्पेस का मुझे इतना नहीं पता था। तो फिर सीन कुछ यूँ हुआ कि वहाँ पर जब मैं गया, वहाँ पर सिर्फ एक गया था मैं। सीधी सी बात है, एक गया था, एक के बाद हम दो मिले। एक लड़का आया था जिसका नाम था जैन। तो उसने बोला कि यार स्टेज कहाँ पर है, क्योंकि वो एज ए रैपर आया था। तो उसके बाद हम तीन मिल गए। तीन के बाद हम जब डोजिंग फाइट खेलने के बाद हम गए थे गन शूटिंग, नाम मुझे याद नहीं पता तो मैं गन शूटिंग के देता हूँ। तो वहाँ पर गए थे हम, छः हो गए वहाँ पर। जब वहाँ से निकले हम 10 हो गए। 10 होने के बाद हमने एक पूरा मतलब ग्रुप बना लिया कि अगर मीटअप प्लान होगा, कुछ भी होगा, तो हम 10 जो है ना एक साथ होंगे, क्योंकि 10 आर्टिस्ट थे सारे। दो ब्लॉगर्स थे, एक मैं था, एक और लड़की थी। तो जब हम 10 का ग्रुप बन गया था, उसके बाद हम गए थे, एक वेटिंग एरिया थी जहाँ पर हम मतलब वहाँ पर कोई बैठ सकता था, सीटिंग एरिया थी। तो वहाँ पर गए, वहाँ पर जो लड़के थे हम 6 लड़के, तो वो जो है ना वहाँ पर गए, सिंगिंग करी वहाँ पर। एक तो चला गया था क्योंकि उसको मीटिंग में जाना था जिसका नाम असद था, बाकी एक हमज़ा था, जैन था, बाकी नाम मुझे कन्फर्म नहीं है क्योंकि जिससे ज़्यादा बात होती है मेरे व्हाट्सएप पर तो उनके नाम याद है मुझे। आपको पिक्चर में दिखा दूंगा कौन कौन थे मेरे साथ। कैसे मिला, मैं फेसबुक यूज़ कर रहा था, वहाँ पर एक पोस्ट आई स्पॉन्सर्ड, तो वहाँ था सुपर स्पेस कराची का। तो मुझे पता नहीं था इतना कि सुपर स्पेस कराची होता क्या, वहाँ पर पवेलियन में है क्या, है क्या नहीं है मुझे नहीं पता था। तो फिर मैंने उन्होंने कहा कि एक फॉर्म फिल करें अगर आप आर्टिस्ट हैं, जैसे ब्लॉगर ब्लॉगर या फिर यूट्यूबर जो भी हो, मतलब एक कोई आर्टिस्ट होना चाहिए। तो मैंने ऐसे ही कर दिया, मैंने फन में तफरी में मैंने कहा कर लेता हूँ, मुझे कौन मेरे कौन से पैसे जा रहे हैं, फ्री में है।
तो फिर मैंने अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट डे में मुझे इनविटेशन आया, मैसेज आया कि यू आर इन्वाइटेड, कुछ ऐसा मैसेज था मुझे याद नहीं है। तो फिर मैंने कहा ठीक है ट्राई कर लेते। मैंने बोला, मैंने सोचा कोई बस ऐसा ही कोई इवेंट होगा, वहाँ पर जाकर आपको रिकॉर्डिंग वगैरह करनी होगी और कोई वैसे भी पैसे नहीं है तो ट्राई कर लेते हैं। तो मैं वहाँ पर गया, एंट्री तो वैसे भी जल्दी से हमें एंट्री नहीं मिली थी, 5 मिनट से 10 मिनट लगे थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लोग आ गए थे और मेजोरिटी जो थी ना फ्री वाली थी, क्योंकि सबके पास मैसेज आया हुआ था। तो सब बोल रहे थे हमारा मैसेज है, आप हमें फारिग कर दें हम अंदर जाएँ। तो उन्होंने ऐसी करी थी कि सबको लाइन में खड़ा किया था और लाइन में खड़ा करने के बाद सबको कार्ड दिया था। आपने ब्लॉगिंग देख लीजिएगा, ब्लॉग में शायद आ जाए आपको कार्ड नज़र, मगर ब्लॉगिंग में मैंने ज़्यादा अपनी शक्ल नहीं दिखाई थी क्योंकि वो वहाँ पर इतना शोर था, इतना शोर था। मैं माइक भी नहीं लेकर गया था, ट्राइपॉड भी नहीं लेकर गया था, कुछ भी नहीं लेकर नहीं गया था। अनएक्सपेक्टेडली मैंने वहाँ पर रिकॉर्डिंग कर ली थी। तो बस यही था। फिर वहाँ पर लाइन में खड़ा होने के बाद हमें जो है रिस्ट बैंड बांधी गई थी, जो जो मतलब ये मतलब था कि आपके लिए हर राइड फ्री होगी। तो हमारे लिए राइड फ्री थी, फ्री का मज़ा किसको नहीं आता। जब लास्ट में सिंगिंग कर रहे थे, सिंगिंग करने के बाद हमने सोचा कि कुछ रिव्यू दे दें सुपर स्पेस के बारे में, और जो मेरे दोस्त थे मेरे साथ, मगर वहाँ पर एक ने रिकॉर्डिंग करवाई थी, मगर इशू ये आ गया था कि वहाँ पर इतना शोर था कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। तो उनको बोले, मैंने सोचा कि चलो ठीक है बाद में कर लेंगे, बाद बाद का प्लान किया तो फिर भूल ही गए सारे सारे भूले हुए थे। तो फिर बस यही सीन हो गया था। बाकी ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा कुछ, मतलब कुछ क्या हमने मतलब कितनी इन्जॉयमेंट करी मैं आपको दिखाऊंगा। मैं स्पाइडर मैन भी बना था, आपका भाई स्पाइडर मैन बना था। तुमने शूट कर, मैं चला जाता हूँ शूटिंग कर दूंगा, या तुम चले जाओ, तुम्हें आता है शूट करने आता है ना, तुम्हें शूट करने आता है, मैं चला जाता हूँ। अच्छा तो आ जाए तो दे दे, वहीं से आ जाओ। कौन जा रहा है यार? वो बोल रहा था मुझे शूट करना, उसमें कुछ हो ही नहीं रहा, हम शूट क्या करें भाई, डरना है, नाटक करो, वीडियो बन रही है। इन मुश्किलात से भाई हमारा जूझ रहा है। गया ये गिरा, ये आप देख सकते हैं नाजरीन, एक शख्स हवा में हाथ हिला रहा है। ऐसे सीधा सीधा इधर चाहिए, लैंड स्केप में चाहिए। Oh my God! Oh, this is it!
कर ली। उसके बाद हम नीचे आए और हम जाने वाले थे जंपिंग एरिया में, जहाँ पर जंप्स वगैरह करते हैं, रबर के बॉल्स पड़े रहते हैं, जंपिंग करनी होती है। वहाँ पर गए तो इतनी स्मेल थी क्योंकि वहाँ पर जो है ना सॉक्स और शूज़ उतारने पड़ रहे थे लोगों को, तो इतनी स्मेल हो गई थी कि बस हमने बोला चलो यहीं से निकलो, तो वहाँ से निकल गए। उसके बाद हम नीचे गए, एक वेटिंग एरिया सीटिंग एरिया होता है, वहाँ पर गए और वहाँ पर हम जो पाँच बंदे आखिर में जो बंदे बचे थे पाँच, तो सिंगिंग स्टार्ट कर दी।
ਗਨ ਸਦਾ ਯਾ ਲਾਈ ਤੁਝ ਲੈਣ ये मैसेज मैं सब सब्सक्राइबर्स के लिए जो कलेश गेमिंग में जो सारे सब्सक्राइबर्स थे 11,500 सब्सक्राइबर उनके लिए मैसेज है कि आई वॉन्ट बी अपलोडिंग एनी वीडियोज देयर क्योंकि मेरे पास वहाँ पर मोनेटाइजेशन डिसेबल हो गई है. आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट के न्यू अपनी यूट्यूब चैनल ग्रो करूँ और फिर से जो सब्सक्राइबर्स मेरे थे और उन सबको वापस न्यू चैनल पर लेकर आऊँ. बहुत हार्ड है आई नो, ये 11,500 सब्सक्राइबर्स जो होते हैं वो सारे एक्टिव नहीं होते, मगर मैंने अपने फ्रेंड्स को बुलाया कि दे हैव टू प्रमोट, तो फिर उन्होंने बोला चलो ठीक है हम अपनी पूरी ट्राई करेंगे और फिर बस ऐसे ही प्रमोट चैनल हो जाता है. तो मैं अपनी पूरी ट्राई करूँगा कि जो न्यू चैनल बनाऊँ तो उसमें जो है आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए होगा लाजमी. अस्सलाम वालेकुम, मैं सर मोहम्मद असद, हम गए थे सुपर स्पेस में. आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे. बहुत मज़ा आया था सुपर स्टेज में, हमें बैटल स्टेशन में सबसे ज़्यादा मज़ा आया और डॉजिंग कार हमने खेली थी. इट वॉज मतलब कि बहुत ज़्यादा रश था इस वजह से हमें कुछ चीज़ें नहीं खेल सके हम, जैसे बाउंस में नहीं जा सके, वो तो फुल एरिया जैसे गर्ल्स ने खेल लिया था. और दूसरा ये कि हम उधर भी गए थे VR में गए और हम बूथ बंगला जा रहे थे जब रश हो गया, हमने ऊपर से देखा तो रश नहीं था, जब नीचे आया था वहाँ रश मिल गया हमें. ये सीन है. बाय. हाय गाइस, दिस इज ज़ैन तारिक और सुपर स्पेस में हुआ आर्टिस्ट डे कुछ दिन पहले, वहाँ गए, बहुत मज़ा आया और कलेश भैया से मेरी वहीं मुलाकात हुई और उन्होंने अपने ब्लॉग में आने का मौका दिया. तो थैंक यू कलेश भैया, और चैनल सब्सक्राइब करें और अगर आप मेरे गाने सुनना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप मेरे गाने सुन सकते हैं. एक्चुअली अगर मैं रिव्यू दूँ तो मुझे 90 out of 100 बहुत अच्छा लगा था. बाकी वहाँ पर जो आर्टिस्ट आए हुए थे जैसे सिंगर, रैपर, डांसर ये सारे आए हुए थे तो उनके लिए अरेंजमेंट्स नहीं थी, और वहाँ पर जब उन्होंने इन्वाइट किया था वहाँ पर ये भी नहीं लिखा था कि हम आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल करेंगे. तो बस ये हमारी मिस्टेक थी, जो भी मतलब सिंगर डांसर वगैरह थे तो उन्होंने सोचा कि वहाँ पर कुछ ना कुछ होगा, मगर वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ ऐसा. तो हमने उनसे पूछा था, मैंने मेल भी करी थी उनको, मतलब फेसबुक पे मैसेज किया था कि आपने ऐसा क्यों किया. उन्होंने बोला कि हमने इतना मेंशन नहीं किया था कि हम आपको स्टेज भी देंगे. तो वो एक मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो उनको भी क्लियर करनी चाहिए थी, और जो हमने मतलब मेरे दोस्तों ने जो सोचा था तो वो भी गलती थी. तो बस बाकी ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा था, फ्री की चीज़ थी, कौन मना करेगा. बस फ्री की चीज़ जो है ना मज़ा पूरा लेना चाहिए. और आपका भाई स्पाइडर मैन watching. Allah Hafiz. Bye bye. Namaste. Sat Sri Akal.